साथियों साथियों मैं पीआर मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान फ़ायदे का सौदा के ऊपर। साथियों आज आप लोगों के लिए एक ऐसी थ्रेसर मशीन का वीडियो मैं लेके आया हूं जो शानदार थ्रेसर मशीन है, जानदार थ्रेसर मशीन है और चलने में भी एक नंबर शानदार थ्रेसर मशीन है। जिस थ्रेसर मशीन की आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, वो मशीन आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो थ्रेसर मशीन है, इस थ्रेसर मशीन के मॉडल, कीमत, कहाँ पर मिलेगी, इन तमाम बातों की जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिए साथ में, इसकी मत करना, जानकारी को पूरी लेना और अगर आपको ये मशीन ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ से इनके नंबर लेना और इनसे बात करना। तो सीधे बात कर लेते हैं इस मशीन के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम टायरों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस मशीन में टायर नज़र आ रहे होंगे, तो टायर बड़े शानदार टायर इस मशीन में है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एकदम नए टायर इस मशीन में लगे हैं, 8-25-16 के ये टायर इस मशीन में लगे हुए हैं। तो 8-25-16 के टायरों में आपको मशीन मिलेगी जो आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मशीन का जो चेचिस है, सिंगल चेचिस में है। यहाँ तक तो आप देख लिए सिंगल और यहाँ से ये घुमा दिया गया है इस तरीके से चेचिस। लोहे के फंटे इसमें पीछे की तरफ लगे हुए हैं, शानदार फंटे इसमें लगाए गए हैं कंपनी द्वारा और काफ़ी बढ़िया मशीन है, चलने में भी शानदार मशीन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेपर वाले गाले में ये मशीन आपको मिलेगी, साथ ही टेपर वाले गाले में मिलेगी आपको और बढ़िया मशीन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ड्रम की साइज़ आपको बता दूँ तो 32 इंची के ड्रम में आपको ये मशीन मिलेगी, 32 इंची के ड्रम में मिलेगी। साथ ही 3 घंटा से इसके अंदर है तो 3 घंटा 100 में 32 इंची के ड्रम में मिलेगी। सिंगल पंखे में आपको मिलेगी, जो भूसा निकालने का पंखा है वो इसमें सिंगल पंखा लगा हुआ है। साथ ही आपको बता दें यहाँ पर हवा करने का जो पंखा है इसमें दोनों तरफ का इसमें पंखा लगा हुआ है, जहाँ अनाज साफ करने का पंखा होता है वहाँ की मैं बात कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को इसको जो रिम है वो और बता देता हूं। तो कड़े वाली रिम में ये आपको मिलेगी, यहां पे आप देख सकते हैं इस रिम, इसके अंदर जो रिम लगी हुई है कड़े वाली रिम इस मशीन में लगी हुई है। अब मैं आपको इसको दूसरी तरफ से और दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से इस मशीन को, तो ये मशीन काफ़ी बढ़िया है, चलने में काफ़ी बढ़िया है, अनाज एकदम साफ निकालती है और काफ़ी बढ़िया थ्रेसर मशीन है। साथ ही आपको बता दूँ इस मशीन का जो मॉडल है, तो मॉडल 2020 मॉडल ये थ्रेसर मशीन है और गेहूँ निकालने में एकदम परफेक्ट मशीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्टार वाला गेयर बक्सा इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, और इसमें जो गाले में कोई दिक्कत नहीं है, गाला काफ़ी बढ़िया लेती है। साथ ही स्टार वाले गेयर बक्से का फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा ताकत अंदर दिखाने के लिए और बाहर निकालने के लिए नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप इसका टायर इधर वाला भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड वाला हवा करने का पंखा इसमें यहाँ पे खोल रखा है, यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए साइड लगा हुआ क्योंकि यहाँ पे एंगल लगी हुई है। तो आप इस साइड से भी आपने मशीन को देख लिया। अब मैं आपको इस मशीन का जो वीडियो है वो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन में स्टैंड लगा रखे हैं जो जाल जाली रखने के लिए ऊपर काम में लिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मशीन में कहीं पर भी टूट फाट वगैरह नहीं है, उस आप देख सकते हैं मशीन में कहीं पे वेल्डिंग वगैरह टूट फाट आपको नज़र नहीं आ रही होगी। साथ ही आपको बता दूं इस मशीन का जो व्हील है, इस व्हील की साइज़ बता दूं आपको, 44 इंची के व्हील में आपको ये मशीन मिलेगी। कितने के इंची का व्हील मिलेगा इसमें, 44 इंची के व्हील में आपको ये मशीन मिलेगी। तो इस मशीन में जो 44 इंची का व्हील है, पुलियों की बात कर ले तो यहाँ पर डबल पुली में आपको ये मशीन मिलेगी जो यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस मशीन का वीडियो और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन के चलते हुए वीडियो, जहाँ पे फसल अंदर ले जा रही है गाले लेते हुए, और आप यहाँ पे देख लीजिए कितनी शानदार थ्रेसर मशीन है। अनाज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया निकाल रही है और काफ़ी साफ़ सुथरा अनाज निकालने वाली ये मशीन है, बढ़िया कंडीशन की मशीन है, चलने में शानदार, ट्रैक्टर को दबाती नहीं है और पीछे से गाले लेने में भी एक नंबर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाले लेते हुए किस तरीके से किसान भाई को ज़्यादा ताकत लगानी नहीं पड़ रही अंदर गाले डालने के लिए, एक नंबर की मशीन है। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं, आपके बजट की ये मशीन है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ से आ जाके आपको इसके नंबर लेने होंगे किसान भाई के और वहाँ से आपको बात करनी होगी। ठीक है साथियों, अगर आप कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं और उसके जो माल मोल भाव करते हैं, तो वो कृषि यंत्र को देखने के बाद में करें, किसी को एडवांस पेमेंट कभी भी ना करें, ये ध्यान रखना किसान भाइयों, क्योंकि आज का ज़माना फ्रॉड का है, चिटिंगबाजी करते हैं लोग। तो आप थोड़ा सतर्क रहे और हमेशा सतर्क रह के ही किसी भी कृषि यंत्र को खरीदे बेचे, ये मेरी आप लोगों को चेतावनी थी। हम आप लोगों को एक वीडियो में और दिखाता हूँ इस मशीन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन का दूसरा वीडियो, जिसमें किस तरीके से मशीन पुलियाँ ले रही है अंदर की तरफ, आप ये देख सकते हैं, और इतनी सारी पुलियाँ एक साथ ले रही है ये मशीन। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया थ्रेसर मशीन है, 5 जॉइंट वाली ये थ्रेसर मशीन आपको मिलेगी। इस मशीन में 5 जॉइंट है, 3 घंटा से हैं और 32 का ड्रम है,
सारी जानकारी मैंने आप लोगों को मशीन की अवेलेबल करा दी है। साथ ही अब मैं आप लोगों को इस मशीन की जो कीमत है वो और बता देता हूँ। तो किसान भाई ने इस मशीन की जो कीमत का निर्धारण किया है वो किया है 260,000 रुपये। 260,000 रुपये में वो इस मशीन को बेचना चाहते हैं। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं इस कीमत में तो डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन में जाके किसान भाई के नंबर लेना। अब आपको बता दूँ ये मशीन आपको कहाँ मिलेगी, तो ये मशीन आपको यूपी में मिलेगी और यूपी के रहने वाले किसान भाई है। तो आपको किसान भाई से बात करने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, नंबर लेना। अगर आपको भी इस तरीके की वीडियो बनवाने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर मेरे नंबर मिल जाएंगे, या हमारे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको और क्या करना है, अगर आप इस तरीके की थ्रेशर मशीन का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर के वीडियो मिल जाएंगे आपको, गाड़ियों के वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे थ्रेशर के वीडियो मिल जाएंगे आपको, तमाम चीज़ों के वीडियो मिल जाएंगे, ट्रॉली के वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतनी इतनी जानकारी, कल एक और वीडियो में एक और जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान और जय किसान साथियों।